गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सोचिए आप घुटनों तक बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उस बीच कोई आए और आपको वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाए। आपके लिए मदद करने वाला ये व्यक्ति किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। साथ ही आपने कई जाबाज पुलिस कर्मियों के किस्से सुने होंगे जो इंसान के रूप में भगवान बनकर कई लोगों की जान बचाते हैं। कभी आग में कूद जाते हैं तो कभी पानी में, अपने जान की परवाह किए बिना। आज भी हम ऐसे ही जाबाज पुलिस कर्मी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी पानी के अंदर है। और ये कोई आम पानी नहीं है, ये सीतापुर में आई बाढ़ का पानी है, जहां अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिसकर्मी पानी में कूद जाता है। पहले तो आपको बता दें कि आई बाढ़ के पानी में 3 मासूम फंस जाते हैं, जिसको बचाने के लिए पुलिसकर्मी बिना किसी मदद के बच्चों को बचाने में जुट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये पुलिसकर्मी बच्चों को बचाने में लगा हुआ है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी पुलिसकर्मी के कमर तक आ रहा है, उसके बावजूद पुलिसकर्मी ने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और इस देवदूत ने घर के 3 कुलदीपकों को बचा लिया। आपको बता दें कि ये सीतापुर पुलिस के जाबाज अशोक कुमार हैं और सीतापुर के लहर थाने में तैनात हैं। तस्वीरें उनके जिले में आई बाढ़ की है, जिससे उन्होंने 3 बच्चों को जिंदा बचा लिया, बच्चे जो कि किसी परिवार के चिराग हैं। अब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वहीं इस साहस काम के लिए आईजी रेंज लखनऊ ने खुद सलाम किया है। लखनऊ के आईजी ने कहा कि अशोक कुमार एक मिसाल है और पुलिस कर्मियों के लिए भी, साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी। जहां पुलिस पर कई सवाल उठते हैं, तो वहीं उदाहरण के लिए अशोक कुमार का नाम एकदम सही बैठता है और ऐसे वीरों को नमन है। न्यूज डेस्क, वी न्यूज़।